हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, कल से मई मंथ स्टार्ट होने वाला है एंड मैंने इस बार खुद से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं मई मंथ को मेंस मंथ में कन्वर्ट करके रहूँगी, विच मीन्स मैं इस मंथ को पूरी तरीके से डिवोट करना चाहती हूँ मेंस की प्रिपरेशन में। अपनी मेंस की प्रिपरेशन को मैं और ज़्यादा एक्सेलरेट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि इस मंथ को मैं पूरी तरीके से मेंस में ही डेडिकेट करूँगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो हमें मेंस में परफॉर्म करना, मतलब कि बहुत ज़रूरी है, अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स में भी कहीं अटक रहे हो ना, बहुत कोशिश करने के बाद भी आपके स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहे ना, तो मेंस वो भी काम करता है, आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने की कोशिश करता है, जिससे आपके प्रीलिम्स के भी स्कोर्स इम्प्रूव होते हैं। तो जब मेंस इतनी सारे फ़ायदे आपको देता है तो उसके ऊपर वर्क करना क्यों ज़रूरी नहीं है, है ना। तो इसीलिए मैं अपनी ये करने वाली हूँ एंड साथ ही साथ मैंने सोचा कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी बातों को मानते हैं, उनके लिए भी ये सीरीज़ लेके आनी चाहिए। जो मेरी टू डू लिस्ट को फॉलो करते हैं उनके लिए भी ये मंथ मेंस का होना चाहिए, है ना। तो ये सोचकर मैंने सोचा है कि आज से मैं अपनी 31 डेज 31 टू डू लिस्ट की सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। देखो, मैं रोज़ वीडियो डालूँ या ना डालूँ, लेकिन आई प्रॉमिस कि मैं 31 डेज तक टू डू लिस्ट कंटिन्यू डालूँगी, क्योंकि ये सीरीज़ जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ट्रस्ट मी, उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मेरे लिए है। क्योंकि मैं खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उतना अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर रही हूँ मेंस में। अभी मैंने RRB क्लर्क के 2 मेंस दिए हैं, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस नहीं है मेरी जैसी होनी चाहिए। रीजनिंग में चलो ठीक है, अच्छा परफॉर्म हो रहा है, लेकिन क्वांट्स और इंग्लिश वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है मेरी जो होनी चाहिए, जो मैं अपने आप से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और उसे इम्प्रूव करना ही एक सोल्यूशन है अपने आप को अच्छा परफॉर्म करने के लिए मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस मंथ को अपने डेडिकेट करने का सोचा हुआ है। तो हमारे इस मंथ में जो कवर होने वाला है वो है RRB क्लर्क मेंस, जो सबसे इजी मेंस माना जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, और SBI PO मेंस, जो सबसे टफ मेंस माना जाता है। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी इन 31 डेज में तय करने वाले हैं। अपने आप को इजी मेंस से टफ मेंस तक लेके जाएंगे, धीरे धीरे लेके जाएंगे, ताकि हमें भी बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसा ना लगे कि बिल्कुल ऑल ऑफ सडन हमारे साथ क्या हो गया। एंड ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आफ्टर 31 डेज हमें बहुत अच्छा लगेगा ये मंथ को मेंस को डेडिकेट करके, और हम सबको फील होगा कि यस, हमारी जो नॉलेज है वो गेन हुई है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 31 डेज फॉलो किया ना, तो आपके प्रीलिम्स में भी स्कोर्स ज़रूर बूस्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें 80% मेंस पढ़ना है इस मंथ में, 20% प्रीलिम्स पढ़ना है। इतना कर लिया तो बस देखना 100% सिलेक्शन आपका पक्का है। 20% प्रीलिम्स मतलब क्या है, जो हमारे लाइव मॉक आते हैं ना प्रीलिम्स के, या तो हम वो देंगे, और जिस दिन लाइव मॉक नहीं रहेगा उस दिन हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, दैट्स इट। बस इतना ही करना है हमें इस एक महीने में प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। सो क्या करना है, कितना करना है, मैंने बता दिया है, और मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं इस मंथ में बिल्कुल हर एक दिन अच्छे से पढ़ूंगी, चाहे बाय हुक और क्रुक, किसी भी तरीके से 9 to 10 आवर्स मुझे डेडिकेट करने ही हैं अपने पढ़ाई को, एंड आपके साथ करूंगी तो और ज़्यादा एक्टिव होकर मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। साथ ही साथ अगर आप भी इस मंथ को अपने मेंस का मंथ बनाना चाहते हो, तो खुद से ज़रूर आज प्रॉमिस करना कि जो भी हो जाए हम इस मंथ को बहुत अच्छे से तरीके से अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएंगे, एंड साथ ही साथ डेली टू डू लिस्ट को फॉलो करेंगे। देखो, आपको मेरी टू डू लिस्ट फॉलो करनी है तो करिए, नहीं करनी है तो नहीं करिए, बट खुद की टू डू लिस्ट बनाइए या मेरी टू डू लिस्ट को ट्विक करिए अपने हिसाब से, बट डेली ज़रूर पढ़िए। एंड ट्रस्ट मी, मेंस को ज़्यादा टाइम दीजिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो मैंने कल की टू डू लिस्ट बना दी है, मैं आपको समझा देती हूँ कि कल क्या क्या कैसा कैसा करना है आपको। तो देखो, कल ना हमारा फर्स्ट डे है मेंस का, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सारे सब्जेक्ट को देंगे, 2 के मॉक्स देंगे एंड 2 को पढ़ेंगे, और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कल आपको क्या करना है, कल आपको इंग्लिश का मेन सेक्शनल मॉक देना है और उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है। चाहे हो तो आप एडिटोरियल स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के मेन्स मॉक में आपको RC ऑलरेडी मिल जाएगी, जो कि एक एडिटोरियल ही होती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मेन्स का मॉक देकर बहुत अच्छे से उसको एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको रीजनिंग का मेन्स का सेक्शनल मॉक देना है और उसको भी एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या करना है कि कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं, क्या क्या आता है क्वेश्चंस में, या अगर आपने कभी मेंस नहीं दिया तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये जानने के लिए दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्वांट्स की मेंस की क्लास करनी है। देखो, आपको नहीं पता कहाँ से करनी है तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और ये जो लिंक रहेगी ना वो RRB क्लर्क लेवल की रहेगी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि हमारा जो लेवल स्टार्ट होगा वो RRB क्लर्क से चालू होकर SBI PO मेंस तक जाएगा।
तो मैं आपको स्टार्टिंग में कल जो है, कल नहीं इसी वीडियो की लिंक में आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है वीडियो, आप उसे कल देखना, ठीक है ना। आरआरबी क्लर्क मीन्स की क्लास है वो, ये बहुत ज़्यादा आपको काम करने वाली है क्लर्क लेवल के, तो क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएंगे। उसके बाद आपको अप्रैल मंथ के कल करंट अफेयर्स जो है पूरे कंप्लीट कर लेने। अप्रैल मंथ हमारा हो चुका है एंड मैंने आपको पूरी मंथली पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, तो वहाँ से आपको क्या करना है, अपने पूरे एक महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर लेना है। रटना नहीं है, सिर्फ रिवाइज़ करना है कि क्या क्या न्यूज़ थी जो हमने अप्रैल मंथ में पढ़ी थी, ठीक है ना। बस इतना कर लेना, एक बार अपनी आंखों के सामने से सारी न्यूज़ को गुजार देना, ठीक है। उसके बाद टाइम बचेगा, फॉर श्योर बचेगा। फिर आपको क्या करना है, जो भी लाइव मॉक टेस्ट चल रहा होगा वो देना है। अगर आपने प्रैक्टिस मॉक दे दिया तो वो ठीक है, नहीं तो ऑलिव बोर्ड का देना है। ओके, मुझे नहीं लगता कि आपके पास टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा कल का टू डू लिस्ट, दिखा आपको छोटा रहा है केवल 4 से 5 टास्क, लेकिन सबको करने में टाइम लगेगा अगर आप प्रॉपरली करोगे, ठीक है। तो जो लिंक रहेगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड टेलीग्राम के लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह ही पिन कर दूंगी, ठीक है। सो जो भी इसके लिए तैयार है वो बस अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए, चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिखना है तो भी प्रॉमिस कर दीजिए, ताकि रोज़ आपके आप देखो ना तो आपको आपका प्रॉमिस याद आए, ठीक है। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। 31 डेज 31 टू डू लिस्ट सीरीज़ कंटिन्यू होके रहेगी। सो थैंक यू।